Collect rahe hai Junooni pictures from all over Pakistan to make one Junoon flag. Support of the team now. Now, Extreme Energy Ultimate Taste in 20 rupees only. New look, same great day. हकायक के एक तरफ का आधा सच कभी पूरा झूठ बन जाता है. इसीलिए हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ के वो हकायक जो आपको लाएंगे सच्चाई के और भी करीब. देखिए लेकिन दूसरी तरफ. देखिए लेकिन पीर से बुध की रात 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर. स्कूल भी नहीं जाता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता, क्योंकि मुझे एड्स है ना. एड्स के मरीज को नजरअंदाज मत कीजिए, एहतियात कीजिए. अरे भाई आ जाओ शाबाश. आओ ना, कुछ नहीं होता यार. ओहो मैं हूं ना. अरे भाई आ जाओ शाबाश शाबाश. इनसे मिलिए मेरे दोस्त, इनका नाम है वकार, प्यार से इनको कहते हैं विकी. जो विकी लीक्स वेलकम 2011 से पहले वेलकम की तैयारी. पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड कड़ी मेहनत का होगा. इम्तिहान हर जीत से एक कदम आगे बढ़कर खेलना होगा जीत जंग से, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले है कि वर्ल्ड कप की तैयारी. देखिए पाकिस्तान टूर्स न्यूजीलैंड टीम G20 दो टेस्ट मैचेस और 6 ODI इंटरनेशनल 30 दिसंबर से बड़ा इलाज जीत लीजिए. आपके इस फैसले के नतीजे में जो आपने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के दोस्त तालिबान चले गए और वही नॉर्दर्न अलायंस वहां पे हुक्मरान बनी जिनको आप लोग इंडिया के एजेंट कहते थे. इंडिया तैयार थे उनको ज्वाइन करने के लिए. अगर वो होता तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों मिलकर अगर हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज करते तो हम क्या करते, हम क्या रिएक्ट करते उनसे लड़ते, या हम वैसे ही बैठे रहते और वो हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं और हमें फिर जमीनी वायलेशन होती. तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट जो कश्मीर में है या हमारी न्यूक्लियर इंटरेस्ट है उनको क्या पड़ता. लेकिन आपके मुखालिफीन कहते हैं कि आपने इस अमरीकी गुस्से की वजह से दबाव में आकर वो फैसला किया और अमरीकियों के साथ बेहतर बार्गेनिंग भी नहीं की. ये सब वो लोग कहते हैं जो इसको पूरा एनालाइज नहीं करते. मैंने पूरी चीज को एनालाइज किया. एक तो ये पॉलिटिकल इशू, ये बड़ा पॉलिटिसाइज है. मैंने वो एक टेलीफोन आया मैं एकदम मान गया, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है. लेकिन ये तो वुडवर्ड ने अपनी किताब बुशतवार में भी लिखा है कि कुलनपाल ने जाके बड़ी खुशी के साथ सदर बुश से कहा कि जी परवेज मुशर्रफ ने तो सब कुछ मान लिया. माने होंगे जाहिर है, मैं सब कुछ बिल्कुल नहीं माना हूं. जो वो उनको भी नहीं पता है. आप अपने एम्बेसडर से पूछें जो 6 दिन मेरे साथ मुलाकात करती रही है. जो पहले डिमांड आई थी वो तो ये थी कि पूरा वो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज करेंगे, हर एयरफील्ड खुले होने चाहिए, हमारी कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट जो है उसे यूज करेंगे,
تو ہم نے تو بالکل کچھ نہیں دیا، اسی پہ تو ڈبیٹ ہوئی تھی۔